मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, समुद्री तूफान ताऊते के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। तो जैसा हमने बताया था, ये जो समुद्री तूफान जल्द ही बनने वाला है, इस समय ये एक गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में है और अभी कुछ ही देर में ये डिप्रेशन में तब्दील होने वाला है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है और अब एक दो घंटे में ये डिप्रेशन बन जाएगा और कल यानी कि 15 तारीख को हमें उम्मीद है कि ये साइक्लोन ताऊते बन जाएगा। और क्योंकि इस समय सी कंडीशन फेवरेबल है, हमने आपको पहले भी बताया था, समुद्री सतह का तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा है, 29 या 30 डिग्री तक चल रहा है, तो इसीलिए साइक्लोजेनेसिस बनने की संभावना काफी ज्यादा अच्छी है। और ये जब उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में यानी कि जो भारतीय तट है वो भी देखिए इस तरह से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है और उसी तरह से उसके पैरेलल ऑलमोस्ट ये उत्तर की तरफ चलेगा और ज्यादा सशक्त होता जाएगा क्योंकि सी कंडीशंस काफी ज्यादा फेवरेबल है। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक जो ईस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग वो होता है यानी क्लाउड होता है वो भी हिंद महासागर में आ गया है तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे कारक हैं ये इसको और ज्यादा सशक्त बनाएंगे यानी मजबूत बनाएंगे और ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है गुजरात के आसपास जाते आते यानी महाराष्ट्र के तटों तक आते आते ये काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ये जो नाम दिया गया है ताऊते, ये म्यांमार ने दिया है, इसका मतलब होता है हाईली वोकल लिजार्ड गीको। ये एक छिपकली है उस उधर पर जो बहुत ज्यादा हल्ला मचाती है तो उसके नाम पर यह नाम रखा गया है। तो ये जैसे हमने आपको बताया कि कई कंट्रीज हैं जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जब तूफान बनते हैं तो सबने नाम दे रखे हैं। इंडिया ने नाम दिया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, मालदीव ने, श्रीलंका ने, म्यांमार ने, इन सब देशों ने अपने अपने नाम दे रखे हैं। तो बारी बारी से जब भी साइक्लोन आता है, जैसे पिछला साइक्लोन बुरेवी था जो दिसंबर में आया था वो मालदीव ने नाम रखा था, अब ये म्यांमार का नाम है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज नाम पहले से ही पता रहता है कि जो अगला तूफान बनेगा उसका क्या नाम होता है। तो पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा लक्षद्वीप में काफी ज्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेन हो रही है, 150-200 मिलीमीटर की बारिश हो रही है। उसी तरह से केरल में भी बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा तेज चल रही हैं और पिछले 24 घंटों में भी तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोची, कोझिकोड, कन्नूर, इन सारे इलाकों में हैवी रेन हुई है और इन इलाकों में अभी भी इडुकी और वायनाड वगैरह में अगले 24 से 48 घंटों तक भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अब ये जो आप देखिए ये क्लाउड बैंड है, ये धीरे धीरे जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो कर्नाटका के जो कई हिस्से हैं इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां, दक्षिणी कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, शिमोगा और मैंगलोर, कारवार, बेलगावी, इन धारवाड़, इन सारे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है और फ्लडिंग रेन यानी कि केरल में जो है हो सकता है कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए जैसे कि पिछले सालों में भी हमने देखा था। तो सावधानी बरतने की काफी ज्यादा आवश्यकता है और हवाओं की रफ्तार भी इस समय काफी ज्यादा तेज हो चुकी है यानी कि सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है। तो आज, कल और परसों 3 दिन तक लक्षद्वीप, केरल और कर्नाटका इस इलाके में जाना खतरनाक साबित हो सकता है। और ये 15, 16 और 17 तारीख को कर्नाटका के तटों पर और दक्षिणी और महाराष्ट्र के तटों पर जो है वो खतरा बढ़ जाएगा, कर्नाटका से गोवा और महाराष्ट्र के तटों पर। और 17 और 18 तारीख को ये गुजरात के आसपास जब पहुंचने लगेगा तो ये आप देखिए इसका जो ट्रैक है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो इस समय दिखाया दे रहा है यानी कि बहुत ज्यादा अभी एक्यूरेसी नहीं है, अभी जब साइक्लोन बन जाएगा उसी समय एक्यूरेसी बढ़ती है। तो आप देखिए कि एक तो कुछ मॉडल दिखा रहे हैं कि ये गुजरात की तरफ जाएगा, कुछ दिखा रहे हैं कि इस तरह से कराची की तरफ जाएगा, तो बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी महाराष्ट्र में 16 और 17 तारीख को, गोवा के साथ साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परभणी, फिर 17 तारीख को 16 की रात या 17 तारीख को और 18 तारीख को मुंबई, थाने, दहानु, पुणे, अहमदनगर, मालेगांव, नासिक, जलगांव, इन सारे इलाकों में बारिश बढ़ेगी और गुजरात के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां होंगी, खास करके जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, देवभूमि द्वारका, भुज, नलिया, इन सारे इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। और ये लैंडफॉल किस जगह करेगा अभी तो निश्चित तौर से नहीं कह सकते, लेकिन जो संभावना दिखाई दे रही है वो पश्चिमी गुजरात या कराची के आसपास हो सकता है। तो बारिश की गतिविधियां 17, 18 और 19 तारीख को हमें उम्मीद है कि कराची, बादिन, चोर, नवाबसा,
हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके में जो सिंध है और पंजाब के इलाके हैं, जैसे कि डेरा गाजी खान और उसके आसपास के जो भी इलाके हैं, मुल्तान वगैरह, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। और आप देखिए, ये जो एक हमने दायरा बनाया है, ये पश्चिमी राजस्थान या जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इन सारे इलाकों में भी भारी बारिश होने की संभावना है जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा। और उस समय पाकिस्तान के भी कई इलाकों में बारिश होगी और ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ये 20 तारीख तक जम्मू कश्मीर या उसके आसपास पहुंच जाए और उस दौरान बारिश की गतिविधियां जो ये जो राजस्थान के कई इलाके हैं, इस इलाके में बढ़ेगी। अहमदाबाद और जो गांधीनगर, बड़ोदरा, बनसकांधा, साबरकांधा, महेशाना पाटन, इन इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। इसी तरह जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं, जैसे कि उज्जैन, रतलाम, नीमच, भोपाल, इंदौर, इन इलाकों में हल्की बारिश होगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी इन इलाकों में होने की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। अगर हम देखें तो इस समय जो क्लाउड पिक्चर है, तो ये क्लाउड पिक्चर देखिए कि इस तरह से रोटेट हो रहा है क्लाउड। ये जो रोटेशन है, तो ये आउटर बैंड है, ये देखिए काफी ज्यादातर अरब सागर में फैला हुआ है और केरल के ऊपर काफी घने बादल हैं और इस समय ये केंद्र है। और ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो बादल भी आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये पूरे जो इलाके हैं, इस सारे इलाके को कवर करता हुआ ये सारा इलाका है जो इसकी जद में आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो हवाओं की रफ्तार जैसे हमने बताया काफी तेज होगी, भारी से अति भारी बारिश होगी। और उसी तरह जो अलग अलग मॉडल हैं वो अलग अलग लैंडफॉल दिखा रहे हैं। एक मॉडल दिखा रहा है कि ये गुजरात के आसपास लैंडफॉल कर सकता है और एक और मॉडल है जो दिखा रहा है कि ये थोड़ा सा गुजरात के पश्चिम में जाएगा। इस तरह से ये अलग अलग मॉडल है जो दिखा रहे हैं। तो जब साइक्लोन बनेगा, कल जब साइक्लोन बन जाएगा, तो उसके बाद जो ट्रैक है वो हम आपको बता पाएंगे। तो कल शाम तक या दोपहर तक हम ट्रैक बना देंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी, यानी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। अभी फिलहाल आप मान के चलिए कि जो खतरा है वो तटीय इलाकों को है और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है कुछ इलाकों में। और हवाओं की रफ्तार मुंबई और उसके आसपास के तटों पर जो होगी वो 50 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटा हो सकती है और जो अंदरूनी इलाके हैं यानी समुद्र में थोड़ा अंदर जाएंगे तो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तो इसका अपडेट जो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे सशक्त होता जाएगा, हम इसको अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। तो हमारे चैनल पर नजर बनाई रखिए और इसको आप फॉलो करिए, हम भी इसको फॉलो करते हैं और आपको बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।